ढिंडोरी जिले के ट्रांसजेंडर को अब शासन के निर्देशानुसार सामाजिक न्याय विभाग द्वारा शासकीय योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। प्रशासन अब जल्द ही ट्रांसजेंडर समुदाय की समस्याओं का निराकरण भी शीघ्र करेगा। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा कलेक्टर विकास मिश्रा की पहल पर नगर के ट्रांसजेंडर नाजनीन, प्रियंका और शिवानी को शॉल श्रीफल से सम्मानित किया गया और उनकी समस्याओं को जाना। ट्रांसजेंडरों ने अपनी समस्या से अवगत कराते हुए बताया कि उनके परिचय पत्र के साथ ही आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं, साथ ही पड़ोसियों द्वारा उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है, जिस पर कलेक्टर विकास मिश्रा ने सामाजिक न्याय विभाग को उनकी समस्याओं का निराकरण करने के साथ ही नगर परिषद और पुलिस विभाग को उनकी समस्या पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्ट्रेट में बुलाया गया कलेक्टर साहब ने जानकारी के लिए, अच्छाई बुराई पूछने के लिए, सुख सुविधाओं के लिए इतनी जानकारी लिए और उनका जवाब भी दिए। बहुत अच्छा लगा, इतना मान सम्मान मिला और उनके बहुत बहुत आभारी हैं हम लोग। जो हम लोग को परेशानी है वो भी उनने सुने हैं, आश्वासन दिए हैं कि जल्दी से जल्दी ये सब आपके साथ होगा और मिलेगा। अब शासन के निर्देश अनुसार साल में 4 बार प्रत्येक 3 माह में ट्रांसजेंडरों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं के निराकरण के निर्देश जिले के कलेक्टर और सामाजिक न्याय विभाग को दिए गए हैं, जिसकी पहली बैठक कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित की गई। ट्रांसजेंडरों की मीटिंग हुई, ये जिले में पहली मीटिंग थी। पहले भी कार्य किया गया है लेकिन इस तरह की मीटिंग पहली बार हुई है कि उनसे खुद पूछा गया है कि उन्हें क्या समस्या है, उनकी समस्याओं का निराकरण तत्काल करने के निर्देश दिए गए। शासन से दिए गए निर्देशों के अनुसार समस्त योजनाएँ सभी के लिए, महिला, पुरुष और अदर सभी के लिए होती है, वो योजनाओं को लागू किया। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।